इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर की। तो पहले देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये इन्होंने बताया है कि वेबसाइट का जो लिंक है वो ओपन होगा 7 जनवरी 2019 से लेकर के 27 जनवरी 2019 तक, एंड टेंटेटिव डेट ऑफ जो ऑनलाइन एग्जाम बताई है दैट इज फेब्रुवरी 2019। तो आप 27 जनवरी 2019 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने वैकेंसीज बताई है, जोन वाइज वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर की 15 वैकेंसीज है टोटल, एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है वो 9 वैकेंसीज है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उधर से आप देख सकते हैं। तो जो की पॉइंट्स है उनको आप देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जाकर के डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है, इनका एज जो है वो है 1 जनवरी 2019 को 20 से 30 साल के बीच का होना चाहिए, मतलब इधर बोर्न ऑन नॉट इधर देन 1989 एंड नॉट लेटर देन, तो आप 2 जनवरी 1989 से पहले के जन्मे हुए नहीं होने चाहिए, एंड नॉट आफ्टर 1999। तो ये दो कंडीशंस आपकी एज के लिए आपको देखना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। अपर एज में कुछ रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, शेड्यूल एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है, एंड ओबीसी के लिए 3 इयर्स का अपर एज में रिलैक्सेशन है। देन पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 50 इयर्स तक मैक्सिमम इन्होंने बताया है, विडो डाइवोर्सी के लिए 10 इयर्स का है, एंड डोमिसाइल ऑफ कश्मीर और इन लोगों के लिए 5 ईयर का है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। जूनियर इंजीनियर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है कि मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड विद 65% मार्क्स, ये होना चाहिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो। और अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपके जो मार्क्स है वो 40-55% तक भी चलेगा। तो ये आप दो कंडीशन देख सकते हैं। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही है कि अगर आप डिप्लोमा है होल्डर हैं तो आपको 65% होना चाहिए, और अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 55% होना चाहिए। फिर इसमें एक्सपीरियंस की बात की है कि जूनियर इंजीनियरिंग के इंजीनियर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है अगर आप डिग्री होल्डर हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी वही कंडीशन है, 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर के लिए और 1 साल का एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर के लिए। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गई। अब है जॉब डिस्क्रिप्शन, काम क्या करना पड़ेगा। हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंटीरियर वर्क्स एटसेट्रा और बिल्डिंग्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग। तो आपको आरबीआई का जो सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है वो देखना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का काम देखेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इन्होंने बताया, 300 मार्क्स का एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, और टेंटेटिव डेट इन्होंने फेब्रुवरी 2019 बताई है। एग्जाम का जो पार्ट होगा उसमें होगा एक लैंग्वेज का पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शंस होंगे पेपर में। ये इनके 50 मार्क्स, 40-40-50, टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे एंड 300 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 1 घंटा 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। देन इन्होंने बताया कि जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
पे स्केल जो हम बात कर रहे हैं, पे स्केल इन्होंने ये सारा पे स्केल बता करके ये बता रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी आपकी जो बनती है वो बनती है 49,000, लगभग 50,000 के आसपास। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रिक्विजिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि व्हीकल फॉर ऑफिस पर्पस के लिए मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है, ब्रीफ केस, बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा, डिस्पेंसरी फैसिलिटी मिलती है, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस मिलता है, ओपीडी ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन पे इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, लीव फेयर कंसेशन वंस इन 2 ईयर मिलता है, लोन्स एंड एडवांसेस एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउसिंग, कार, एजुकेशन एट कंज्यूमर आर्टिकल्स, पर्सनल कंप्यूटर एटसेट्रा विल बी अवेलेबल टू रेगुलर एम्प्लॉयज हु विल पुट इन सर्विस एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये सारे आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसके अलावा एनपीएस कंट्रीब्यूशन एंड ग्रेच्युटी बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो काफी लुक्रेटिव जॉब है, जो लोग एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी प्रीरिक्विजिट फॉर अप्लाइंग ये सारी कंडीशंस है वो आप देख लीजिए। 50 रुपीज़ जो फीस का फॉर्म की जो फीस है वो एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए है, एंड 450 है ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अप्लाई करना आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई वेबसाइट पे जाकर के, या जो लिंक है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, उधर जाकर के भी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आजकल जो रिक्रूटमेंट का जिस प्रकार से चल रहा है, तो हमेशा आप जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कम से कम उसकी वेबसाइट पे जा करके एक बार उनका जो ओरिजिनल, जैसा मैंने ये डाउनलोड कर रखा है वैसा ओरिजिनल हमेशा नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। उसमें सारी टर्म्स कंडीशंस, एलिजिबिलिटी, फी, ये सब चीज़ें पढ़िए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। तो ये दोस्तों था जूनियर इंजीनियरिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी का एप्लीकेशन डिटेल। ये लिस्ट ऑफ सेंटर्स हैं जो आप जिस भी सेंटर के अंदर आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जूनियर इंजीनियरिंग का जो डिटेल था वो हमारा पूरा हो जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में देख सकते हैं।